तो मच्छरों ने पार्टी की है। खानदान में पता चलेगा कि हीरा के हाथ की खीर बड़ी मजे की। हाथ को ज़रा पाओ। मैं करवाने वाली हूँ ऐश ब्लॉन्ड। हाय अल्लाह, हीरा नो पहली दफा खीर बनाने नो आंखें तो उन्हें सारी खराब कर देती। ईद मुबारक गाइस। हाँ जी, Assalamualaikum everyone, this is me हिरा फैसल and welcome to my YouTube channel। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का झटपट से पता चल जाए। तो मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। और अभी मैं जा रही हूँ अपने लुक चेंज कराने, मतलब अपने बाल टोटल चेंज कराने, टोटल नहीं मतलब थोड़ा सा हेयर कट कराने, हेयर कलर कराने, क्योंकि ईद आने वाली है और बिल्कुल भी मैं इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकती कि मेरे बालों की जो कटिंग है वो ऊपर नीचे हुई हो। सो अभी हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी अपनी लुक चेंज करते हैं, पूरी नहीं थोड़ी सी लुक चेंज करते हैं और थोड़ी सी शॉपिंग मेरी रह गई है वो करते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पार्सल्स जमा हुए हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने भी खोल के भी नहीं देखा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब काफ़ी कुछ से हैं, ज्वेलरी है, चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, सब कुछ। ईद के जितना भी सामान होता है ना सब इसी में ही है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि औरतों का दिल शॉपिंग करने से नहीं भरता, तो भाई ईद का मौका है और हीरा शॉपिंग ना करे ऐसा हो नहीं सकता। पहले हम अपनी लुक चेंज करते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं। सो सारी चीज़ें आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और मेरे फेस पे आपको लग रहा होगा कि भाई हीरा ने पता नहीं यहाँ पे क्या किया है कि ये लाल लाल हो गया। बेसिकली यहाँ पे दो मच्छरों ने पार्टी की है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वो बिल्कुल फेस पे रेडनेस हुई हुई है इस टाइम मेरे। और मुझे पता भी दूसरे पिंपल तो आपको पता है कि किस तरह से गायब करते हैं, ये जो मच्छरों की पार्टी का सीन होता है ये नहीं पता चलता कि कैसे गायब करें। सो देखते हैं ईद से पहले जाते हैं कि नहीं। ओके गाइज, तो अब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नीचे। मेरी अम्मा इधर बैठी हुई है। मामा, सबको बता दूँ कि मेरी अम्मा हर ईद पे स्पेशल वाली, मतलब चांद रात पे बनाती है स्पेशल वाली खीर, लेकिन इस दफ़ा वो खीर मैं बनाऊंगी। इस दफ़ा पता क्या हुआ है, सुबह मैं नींद में उठी हूँ, मैंने कहा पता नहीं अब कल ईद होती है कि नहीं, मुझे नहीं पता दूध लेना है कि नहीं लेना। वो आदमी खुद ही कहता है बाजी सुबह नहीं मैं आना, सुबह ईद है तो दूध लेना है कि नहीं। मैंने अपनी तरफ से कहा चलो थोड़ा ज़्यादा दे दो, 4-5 किलो एक्स्ट्रा दे दो ईद के लिए, उसे मैंने लेके रख लिया। फिर याद आया यार खीर के लिए लिया ही नहीं है, अब उसी की खीर बना रही हूँ। उसी दूध की खीर बना रही, जो पीने के लिए दूध लिया उसी की खीर बना रही। खैर कोई बात नहीं, मुझे पता है आप पे बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है, तो मैं आपका काम थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। आज इस दफ़ा की खीर मैं बनाऊँगी अपने हाथ से। हाँ, टिप्स वगैरह आपसे पूछ लूँगी। हीरा तू मेहरबानी कर, ये मुश्किल काम नहीं है। नहीं, मैंने बनानी हूँ। मम्मा प्लीज़ खीर बनाने दे इस दफ़ा मुझे, प्लीज़। कुछ भी नहीं करना, मैं दूध रखना, चावल डालने वो कर दो। मैं ना अभी सैलून अपने बाल कटवाने, ठीक है, तो दूध चावल ट्रिमिंग कराती रहेगी। हाँ, तो मैं वैसे देखती रहूंगी तुम्हारी, लेकिन उसमें चीनी वगैरह आके मैं डालूं, ठीक है। अब बाकी प्रोसीजर उसको जो थिक करते हैं एंड पे हिलाते रहते हैं, आधा घंटा ऊपर खड़ा होना पड़ता है, वो तुम कर। चलें ठीक है, डन। ठीक है, अभी दूध के अंदर राइस डाल के उसको ऐसे ऐसे हल कर दो। तो बहुत आसान है गाइस, ये तो बहुत आसान है, हाथ दर्द होने लगे। लेकिन जो भी हो, हमारे खानदान में मामा की खीर बहुत फेमस है। जैसे साग है ना, साग से भी ऊपर वाली चीजें खानदान में पता चलेगा कि हीरा के हाथ की खीर बड़ी मजे की। ओए ओए, आज देखते हैं हीरा क्या शाकार करती है। चले मैं सैलून के लिए निकल रही हूँ, ठीक है। बल्कि नहीं, सैलून के लिए नहीं अभी निकलना, पहले मैं वो चीजें रख जाती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। जिंदगी में ये ना हो गया एंड वाला मरहला पता है, स्टार्टिंग वाला पता ही नहीं। स्टार्टिंग वाला भी देखोगे, स्टार्टिंग वाला करके फिर मैं निकलती हूँ। कितने दूध में कितने चावल डालने, फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में। 5 किलो दूध हो तो उसमें सिर्फ आधा पाव चावल डाल, सिर्फ आधा पाव चावल जी, हाथ को ज़रा पाओ। रखेंगे ना तो खीर ठीक हो। चले ठीक है, मैं सारी चीज़ें डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो भाई खीर के लिए चावल जो है ना स्पेशली मामा ने निकाल के दिए हैं कि बेटी इसमें गड़बड़ी ना। मेरा इतना तजुर्बा है कि बगैर नापे तोले पता ही आधा पाव है। एग्जैक्टली इतने से होते हैं, इतने से डाल रहे हैं 5 किलो दूध। फिर भी अगर ज्यादा हो जाए तो दूध एक्स्ट्रा मेरा फ्रिज में पड़ा होता है, पता चले ना थोड़े से ज्यादा हो गए। प्लीज खीर की रेसिपी के लिए मेरी अम्मी को फॉलो करें। अब इसको दो के डाल दो अंदर। हाँ, खीर तो लोग देख के देखना कैसे मेरी रेसिपी को धड़ाधड़। मेरी नहीं, मैंने आज मैंने बनानी है, मेरी रेसिपी होगी। अगर मजे की बनी तो वो मेरी रेसिपी होगी। और भाई अम्मा ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी थी कि चावल जो है वो वॉश करके इसमें डालने हैं, ठीक है। और जितना उन्होंने दूध बोला था काफ़ी ज़्यादा ही लग रहा है मुझे। कह रही थी कि मेरे पास दूध कम पड़ गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ही बन गया। इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। इसको पकने का प्रोसेस भी कोई ना 7-8 घंटे का है, ठीक है। तो लेकिन मेरी अम्मा को नहीं पता है कि मैंने खीर पकाने की ना सिर्फ वो करी हूँ। मुझे बेसिकली करना है उनके साथ प्रैंक, बल्कि सभी के साथ खीर प्रैंक करना है। वो प्रैंक क्या करूँगी वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी। अभी हम लोग निकलते हैं। मैं मामा को कहती हूँ कि मामा इसका लुक आफ्टर करती रहे ताकि ये थोड़ा थिक हो जाए। फिर जब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे ना तब होगा मेन प्रैंक, समझ तो आप गए होंगे। तो खैर अभी हम लोग निकलते हैं सैलून के लिए और आके करते हैं प्रैंक ताकि मेरी मम्मा को पता ना चले। तो भाई मैं निकलने लगी हूँ और यहाँ पे मेरी अम्मा आ चुकी हैं। मामा मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ कहनी है कि प्लीज़ 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 खीर का ख्याल रखना, उसमें आपके अकॉर्डिंगली आपकी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मैंने उसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, सब डाल दी है, वॉश भी कर दिए थे, डन। आपने जब तक मैं आ नहीं जाती इसको चम्मच हिलाना और पकाते रहना, बाकी सारी चीज़ें नहीं हिलाना, भी ये खुद ही पकती रहेगी, सारा दिन ये पकती रहेगी, ठीक है। चम्मच हिलाने की बारी है तो लेकिन इसके अंदर वो जो चीज़ें बादाम वगैरह वो एंड में तुम ही करोगे और हाँ वो नहीं आपने डाला। तो भैया हम लोग जा रहे हैं। तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ और अब वेट हो रहा है कि गेट खुले ताकि मैं गाड़ी के अंदर पार्क करूँ और जाऊँ अपनी सर्विसेज कराऊँ और जल्दी से घर जाऊँ क्योंकि मैं खीर रख के आई हुई हूँ। तो भाई हीरा प्रो मैक्स ड्राइवर ने बड़े अच्छे से गाड़ी पार्क कर ली है यहाँ पे। अब चलते हैं सैलून। ओके गाइस, तो मैंने सोचा था मैं आते साथ ना बाल कटवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे ना एक अजीब सी गेम की प्लानिंग हो रही है क्योंकि मैं नहीं बनाई, मैं ही लिख रही हूँ, ठीक है। और मैं करवाने वाली हूँ ऐश ब्लॉन्ड। ओके गाइस, तो जो कलर वगैरह था वो हो चुका है बस हेयर कट हो रहा है और इसके बाद आपको मैं अपनी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो हमारा रोज़ा रस्ते में खुल गया, इतनी ठंडी खजूरे की जैसे चीज़ हुई होती है, चनों वाली सॉसेज और थोड़ा खोल देते हैं। तो भाई इफ्तारी वगैरह जो थी हम लोगों ने कर ली है। अब जो मेरा आधे बाल हुए थे, आधे बाल नहीं हुए थे, वो करवाते हैं। मेरे घर से कॉल्स आ रही हैं, मेरे बच्चे रो रहे हैं पीछे से, वो कह रहे हैं घर आ जाओ घर आ जाओ। पता नहीं ऐसे क्या काम करने होते हैं जब मैं कहीं बाहर आती हूँ। तो भी अभी हम लोग निकलते हैं, यहाँ पर हमने सब चीज़ें वैसे ही छोड़ दी हैं। अब पहले अपना काम कराते हैं और निकलते हैं घर को। ओके गाइस, सो दिस इज़ माय फाइनल वाली जो कहते हैं ना चांद रात वाला हेयर कट, तो जो लड़कियों को शौक होता है जाके करवाने का। तो भी मैंने फुली शौक में आके करवा तो लिया कि चांद रात हो या ना हो हमने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं, जब होना हो जाओ, ठीक है। घर से कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं तो अब हम थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, एक आधी हमने वीडियो रिकॉर्ड करती है और वो करके निकलते हैं क्योंकि मैं खीर रख के आई हूँ घर पर। ओके गाइस, तो काम शाम के साथ साथ मुझे इतना क्यूट, इतना ज़्यादा क्यूट सा वेडिंग इन्विटेशन आया। आपको बताऊँगी जब मैं इसकी शादी पे आऊँगी। बेसिकली मेरी फ्रेंड की शादी है, कहाँ है क्या है एवरीथिंग, जब ब्लॉग आएगा आपको तब पता चल जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं। बस मैं वहाँ से निकल आई थी लेकिन मुझे अभी घर से कॉल आई है कि भाई ईद मुबारक, मतलब ईद का चांद नजर आ गया। तो स्पेशल गाड़ी एक साइड पे लगा के ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को ताज़ी मतलब फौरन वाली ईद मुबारक कह सकूँ। ईद मुबारक ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने ये ईद अपनी फैमिली के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ अच्छे से मनानी है। मैं भी कोशिश करूँगी कि अच्छे से, वैसे अच्छे से मनाई जाती है, ठीक है। तो अभी घर चलते हैं, जो हमने मामा के साथ प्रैंक करना था वो करते हैं और बाकी की चीज़ें आपको साथ साथ दिखाते हो। अब चांद रात होने वाली है तो अभी मेहंदियाँ भी तो लगेंगी ना, तो घर जाके मेहंदियाँ शहंदियाँ लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या डेकोर वगैरह घर पर हुआ है, कुछ हुआ है, क्या हुआ है, जो भी हुआ आपको साथ साथ। So let's go. तो भाई अब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और घर जाके बाकी सब लोगों को भी विश करते हैं हैप्पी ईद मुबारक, सबको ईद मुबारक कहते हैं। गाइस चांद नजर आ गया है, ईद मुबारक, बीवी आ गई है, ईद मुबारक क्या सेटअप लगवाया, मेरा सेटअप है साहब, मैंने किया गाइस, बहुत अच्छा। मामा खीर मुझे फटाफट से बनानी है, बनाते हैं अभी, सांस ले लो, नहीं मतलब बनाते हैं, आपने रखे हुए सारा सामान, तो भाई अभी हम खीर बनाते हैं भाई। ओके गाइस, तो एज यूजुअल मेरी अम्मा ने खीर को इतना पका दिया कि वो थिक हो गई है, लेकिन अभी इसमें शुगर बादाम सब चीज़ें ऐड करनी है। और यहाँ पे हम लोग करने लगे थोड़ा सा प्रैंक। हम लोगों ने मामा को ये प्रैंक करना है कि ईद वाली खीर में ना चीनी की जगह डल गया नमक, और लिटरली मैं थोड़ी सी खीर निकालूंगी एक बॉल में और उसमें नमक डालेंगे चीनी की जगह, और वो मामा को टेस्ट कराऊंगी और देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होना है। हाय अल्लाह, हीरा लो पहली दफ़ा खीर बना लूँ आँखें तो उन्हें सारी ख़राब कर देती है, सो लेट्स सी कि उनका क्या रिएक्शन होता है। तो भाई खीर में से ना हम लोग थोड़ी सी खीर निकालेंगे जिसके अंदर हमने ऑयल। हीरा ये क्या कर रही है, मेरी गलती नहीं है यार, इसको हम इधर रखते हैं और दूसरे वाले चम्मच से डालते हैं। ओके गाइस, तो ये वो खीर है जिसमें मैंने नमक ऐड करना डाला, हम अपनी बाकी वाली खीर में ना शुगर डाल रहे हैं। अभी हम टेस्ट करेंगे और हस्बे जायका इसमें हम क्या ऐड करेंगे, चीनी। यम्मी। ऐसे एक बात बताऊँ, सारा काम तो मामा ने किया, मेहनत वाला काम होता है, इसको ज़्यादा सारा पकाना वो सारा तो मामा ने किया, मैंने बस चीनी इधर उधर किया। अब हम डालते हैं इसमें नमक, और नमक ढूंढते हैं किधर है नमक। खीरा हम डालते हैं नमक, और मम्मी को चेक कराते हैं और कहते हैं मम्मा खीर ऐसी बनी है, और मैं कहूँगी ओ शिट मुझे तो पता ही नहीं मैंने डाला क्या। तो भाई हमने ऐड कर दिया नमक इसमें, और अब हम ये लेके चलते हैं मामा के पास। मम्मी खीर बन गई। तो भाई ये है स्पेशल खीर। सबसे पहले तुम में से कोई भी टेस्ट नहीं करेगा, मम्मी टेस्ट करेंगी। ईद मुबारक गाइस, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मिली नहीं ईद गाइस, ईद मुबारक सबको। गाइस गाइस क्यों कह रही हूँ, सब गाइस। एक साल बाद मम्मा की खीर खाने का मौका मिलता है। चुप करो, आज इस दफा मेरे हाथ की खीर खाओ। हाँ जी मम्मा चीनी के अलावा कुछ भी नहीं डाला। चीनी तो नहीं है, मेरा नमक डाल दिया, डब्बे दो थे चीनी वाला भी नमक नमकीन है, मैंने सारी उसमें डाल दी है। मम्मा तुम पागल हो क्या, मतलब 6 घंटे लगा के ना, 6 घंटे लगा के सुबह से पका रही हो, तुमने आके सिर्फ चीनी डाली है। हाँ तो मम्मा बिल्कुल सही है, खा के देखें। नमक का टेस्ट आ रहा है, नमक है। मम्मा मैंने चीनी डाली है यार, ये देखें चीनी डाली है। हीरा दिल ऊपर नीचे हुआ, सारा दूध सारी मेहनत पहले मेरे दिमाग में गया, लेकिन मैंने कहा हीरा ऐसा नहीं कर सकती। भागी भागी आई है, भागी भागी, लेकिन परफेक्ट डली है। दिखाएं मुझे भी, चेक है ऐसे ऐसे करूं। हां ऐसे का अपना ही मजा है। यम्मी, आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ। और वो नमक वाली खाओगी क्योंकि लोग नमकीन खीर भी खाते हैं। चलो मम्मा मैं नहीं खा रही, मैंने आपके साथ नमकीन खीर भी लोग बनाते हैं। हां मैंने आपके साथ प्रैंक किया। नहीं नहीं नहीं, इस प्रैंक की सजा है कि ये सारी खीर खाई जाएगी और हीरा खत्म करेगी। मम्मा मेरी बात सुनो, लोग नमकीन क्यों खाते हैं ना, तो आप मेरे साथ खाएंगी फिर। मुझे नमकीन नहीं पसंद। मम्मा मैंने डाल दिया नमक, मैंने प्रैंक करने के लिए डाला है। बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगी कि तुम इसको वेस्ट करो, ये तुम नहीं। लोग नमकीन खीर खाते हैं ना, आप भी खाएं। खीर किसके साथ खाते हैं, नान के साथ। चले कल मैं नान ला दूंगी, आप नमकीन खीर खा लीजिएगा। नहीं खा के कैमरे पे बेचनी थे विदाउट कैमरा। अच्छा चले मेहंदियां लगाने लगे हैं हम लोग, अपार्ट फ्रॉम प्रैंक। ठीक है चीनी वीनी जो भी था थोड़ी सी। मामा बता दे, शौक तो हुई थी ना तुम भी। मैंने मम्मा के रिएक्शन शुक्र है मैं ज्यादा नहीं खाई, वरना मैं ज्यादा खाती ना। वैसे मम्मा ने खा ली ना, वही देख के लिया। आपने भी खाई थी ना। ऐसा नकली प्रैंक मुझे अच्छा लगता है, असली वाला। मम्मा प्रैंक होता ही नकली, असली चीज होती है। नहीं सोचो रियल में वही खीर खराब होती, मम्मा ने इधर सर पकड़ के बैठी हो। तो और क्या, मेरे राबे ने यहाँ पे लगाया हुआ है इतना प्यारा सा सेटअप। अभी हम लोग इधर बैठते हैं, मुझे चांद रात की तैयारियां रेडी है। चांद रात की तैयारियां रेडी, यहाँ बैठती है, यहाँ पे हम लोग मेहंदियाँ लगाते हैं। लगाने के बाद आपको अपने अपने डिजाइन दिखाएंगे हमने क्या क्या किया है। ओके गाइस, तो ये चांद रात में जो ईद की तैयारियां वो शुरू होने वाली है। मतलब तुसी कहना कि इस कुड़ी दी तैयारियां सवेर तो लेकर रात तक खत्म ही नहीं हुई हैं। कोई बात नहीं गाइस, लड़कियों की तैयारियां कुछ इसी टाइप की होती हैं। और अब इस वीडियो को खत्म करने का टाइम हो रहा है। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाय बाय।